आज हम सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी के एक और क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन है 5 सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर किसका मास दिया हुआ है केन शुगर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्या होता है केन शुगर केन शुगर इज सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन दैट इज सुक्रोज क्या होता है सुक्रोज सुक्रोज इज केन शुगर नाउ अब क्या बोला है फाइव परसेंट केन शुगर दिया हुआ है और उसको वाटर में डालने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है वाटर का वो हो गया टू सेवेंटी वन कैलविन दैट मीन्स आपका टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है टू सेवेंटी वन कैलविन नाउ आगे क्या बोला है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइव परसेंट ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज यानी आपको प्योर वाटर दैट मींस थ्री नॉट एफ का भी फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है टू सेवेंटी इसका मतलब आपको सुक्रोज के लिए फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था सुक्रोज के सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था और ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है अब यहां पर जैसे ही आप ग्लूकोज के लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इन टू स्मॉल एम अब डेल्टा टी एफ तो आपको देखो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर आप निकाल लोगे मोलैलिटी के लिए आपको वेट परसेंटेज में गिवन है लेकिन क्या आपको के एफ गिवेन है के एफ नहीं गिवन दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको के एफ निकालना पड़ेगा अब के एफ जब तक नहीं निकालोगे जब तक ग्लूकोज के लिए फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते हो तो के एफ कहाँ से निकालोगे आप सुक्रोज से निकालेंगे देखो सुक्रोज का क्या डेटा गिवन है सुक्रोज में बोला है फाइव परसेंट सुक्रोज सी ट्वेल्व ट्वेंटी टू ओ इलेवन तो फाइव परसेंट सुक्रोज का मतलब क्या है इसका मतलब है फाइव ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यही मतलब होगा ना अगर मैंने बोला कि मेरे फिफ्टी परसेंट मार्क्स आए दैट मीन्स मेरे हंड्रेड में से कितने मार्क्स आए 50 मार्क्स आए अगर मैंने बोला मेरे 20 परसेंट मार्क्स आए दैट मीन्स मेरे हंड्रेड में से कितने मार्क्स आए 20 मार्क्स आए तो मेरे को क्या बोला है फाइव परसेंट कैन शुगर दिया हुआ है दैट मीन्स पाँच ग्राम केन शुगर दिया हुआ है कितने में हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में दिया हुआ है बोलो क्लियर है अब डेल्टा टी एफ क्या होता है डेल्टा टी एफ चेंज इन टेम्परेचर दैट इज टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ स्मॉल एम क्या होता है स्मॉल एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का वेट ग्राम में तो इन टू थाउजेंड इस ध्यान से देखो ये आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट बोला है क्या आपके पास सॉल्वेंट का वेट है आपके पास हंड्रेड ग्राम तो है वो हंड्रेड ग्राम किसका वेट है सॉल्यूशन का वेट है और ये फाइव ग्राम किसका वेट है केन शुगर का और केन शुगर सॉल्यूट है तो फाइव ग्राम सॉल्यूट का वेट दिया है तो हम उससे मोल निकाल सकते हैं है ना और 100 ग्राम किसका वेट दिया है सोल्यूशन का लेकिन यहां पे आपको किसका वेट चाहिए सॉल्वेंट का तो क्या मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट ऑब्वियसली बात है वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा कोई भी आपका सॉल्यूशन है उसका वेट किसके इक्वल होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के इक्वल होता है सिर्फ तो सॉल्वेंट निकालूंगा तो क्या करूंगा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दूंगा अब वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वेट कितना है हंड्रेड ग्राम सब क्वेश्चन में गिवन होता है माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी क्वेश्चन में गिवन है फाइव ग्राम दैट मीन्स कितना आ गया बोलो जरा नाइन्टी फाइव ग्राम तो हमारा आ गया नाइन्टी फाइव ग्राम नाउ चलो आप जब सारी चीज़ें आ गई हैं तो अब के एफ निकाल लेते हैं डेल्टा वो टी नॉट एफ माइनस टी एफ टी नॉट एफ इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन माइनस टी एफ इज टू सेवनटी वन टू सेवेंटी वन कैलविन इक्वल्स टू के एफ इन टू स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट इज फाइव ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट इज थ्री फोर्टी टू ग्राम इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नाइन्टी फाइव ग्राम और अगर ग्राम में तो इंटू थाउजेंड रखते ये वैल्यू एटलीस्ट आपको प्लेस करनी आनी चाहिए ये प्लेस नहीं करनी आती तो कोई फायदा नहीं है सोल्यूशन चैप्टर को पढ़ने का देखो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आया टू पॉइंट वन फाइव कैल्विन इक्वल्स टू के एफ इंटू फाइव अपॉन थ्री फोर्टी टू इंटू नाइंटी फाइव इंटू थाउजेंड दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ के एफ इज अगर मैं के एफ़ की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी टू पॉइंट वन फाइव इंटू थ्री फोर्टी टू इंटू नाइनटी फाइव अपॉन फाइव इंटू थाउजेंड अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप इसी में रख लो क्योंकि आगे जाके वैल्यूज कट जाएंगी आपकी कैलकुलेशन स्मार्ट होनी चाहिए क्या बोला है पहले भी फाइव परसेंट दिया था अब भी फाइव परसेंट है तो ये तो कटेगा ही कटेगा मोलिटी है तो थाउजेंड भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो जरा फॉर ग्लूकोज अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो डेल्टा टी एफ क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू तो के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है इनटू स्मॉल एम अब टी नॉट एफ तो आपको ऑलरेडी वाटर का दिया हुआ था टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस आपको क्या निकालना है आपको निकालना है बच्चों टी एफ इक्वल्स टू के एफ के एफ़ की वैल्यू आपने रख ली थी थी है टू पॉइंट वन फाइव इंटू थ्री फोर्टी टू इंटू नाइन्टी फाइव अपॉन फाइव इंटू थाउजेंड

इंटू थ्री फोर्टी टू टू पॉइंट वन फाइव इंटू थ्री फोर्टी टू अपॉन वन एट्टी चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा फोर पॉइंट जीरो एट फाइव दैट मीन्स टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस टी एफ इक्वल्स टू फोर पॉइंट जीरो एट फाइव और माइनस टी एफ इक्वल्स टू फोर पॉइंट जीरो एट फाइव माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव तो माइनस टी एफ इक्वल्स टू चलो इसको माइनस करो जैसे इसको आप माइनस करोगे आपका आएगा टू सिक्सटी नाइन पॉइंट टू सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो सिक्स फाइव कैलविन और माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ टी एफ दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज टू सिक्सटी नाइन पॉइंट ज़ीरो सिक्स फाइव कैलविन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था बस आपको ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए जैसे फाइव परसेंट दिया है या फॉर्मूला दिया है तो आज के लिए इतना ही बाकी करेंगे हम नेक्स्ट